हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आरआरबी के बारे में, यानी कि आरआरबी ने जो एएलपी की जो वैकेंसी अभी निकाली हुई है, उसके अलावा उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि रेलवे में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो भी मार्च में आएंगी, उसके बाद एनटीपीसी ग्रुप डी और आरआरबी जेई की वैकेंसी आएंगी। उस सभी के बारे में उन्होंने अपना जो है कैलेंडर जारी कर दिया है, टाइम टू टाइम अपने हिसाब से वैकेंसी आती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा, जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आरआरबी हमेशा से जो वैकेंसी करा रहा है उसको लेकर। तो यहाँ पर काफी एक बड़ा सा इशू आता है जो रेलवे जब रिक्रूटमेंट करता है उसको लेकर, वो ये होता है कि यहाँ पर आरआरबी जोन वाइज रिक्रूटमेंट निकालती है कि उसके 19-20 की जो जोन है वहां पर कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, उसमें से कैंडिडेट जो होता है वो एक जोन से ही अप्लाई कर सकता है। तो ये काफी बड़ा इशू है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो इस बार आरआरबी वैकेंसी निकाल रहा है, आगे जो निकालेगा उसमें ना काफी ज्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि एएलपी की अलग वैकेंसी निकाली काफी कम, उसके बाद टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकालेगा मार्च में वो दो वैकेंसी होगी, दोनों का ही अलग अलग फॉर्म फिलअप होगा, ऐसा सुनने को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले जो पिछली बार वैकेंसी थी वो आरआरबी एएलपी में और टेक्नीशियन में दोनों का ही एक ही फॉर्म था, और वो जो एक एग्जाम का पैटर्न था वो भी सेम था कि आप एक एग्जाम देते हो, आप सिलेक्ट हो सकते हो उसमें एएलपी के लिए भी और टेक्नीशियन के लिए भी, यानी कि उसकी कट ऑफ अलग अलग बनती है। तो वो कुछ ऐसा हो रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने एग्जाम अलग अलग कराने का कुछ ठान लिया है, इसलिए फॉर्म को अलग अलग कर दिया कि फॉर्म अलग आएगा, एएलपी का भी भरिए उसके बाद टेक्नीशियन का आएगा उससे भरिए। तो ये भी एक इशू है कि एएलपी का एग्जाम देंगे उसमें भी करीब 3 से 4 स्टेप होते हैं, उसके बाद टेक्नीशियन के 2 फॉर्म फिलअप करेंगे, उनके दोनों के अलग अलग हम एग्जाम देंगे। बहुत से बच्चे होते हैं जिन्होंने 10th किया, 12th किया, आईटीआई किया, डिप्लोमा किया, ये सब किया है, तो क्यों सारे के सारे फॉर्म भरेगा ना, ये एक इशू है। तो सारे के सारे फॉर्म ना भरवा के अगर एक से एग्जाम करा लेते तो ज्यादा सही रहता है। लेकिन उससे बड़ा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आरआरबी जो रिक्रूटमेंट निकालता है वो जोन वाइज निकालता है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कोई भी कैंडिडेट्स है वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं किस जोन से फॉर्म को फिलअप करूँ, पता नहीं किसी कटाफ कहाँ कितनी चली जाए और कहाँ कितने फॉर्म फिलअप हो जाए, ये एक इशू रहता है। यहाँ अगर हम बात करें कंपेयर की एसएससी की, तो एसएससी की जो भी वैकेंसी निकलती है वो ऑल ओवर इंडिया होती है, कैंडिडेट जोन को प्रेफरेंस दे सकता है कि हमें यूपी चाहिए, यूपी के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद ये, उसके बाद जितने भी कैटेगरी होती हैं सबको सीरियल वाइज वो फिलअप कर सकता है। यानी कि मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे को यूपी में जॉब चाहिए और मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मेरे को यूपी मिल जाएगा, तो मैंने यूपी को फर्स्ट प्रेफरेंस कर दिया, उसके बाद हमने और सारे स्टेट्स को फिलअप कर दिया। अगर मेरा एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया या मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, तो अगर मैं यूपी के लिए सिलेक्ट नहीं होता हूँ तो कहीं ना कहीं जहाँ की कट ऑफ कम जाएगी, अगर उससे मेरे मार्क्स मैच खा रहे हैं तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है, आपको एक जगह से ही फॉर्म फिलअप करना है, कट ऑफ कम जाती है या ज़्यादा जाती है वो आपकी किस्मत, मतलब कहीं ना कहीं किस्मत को भी लेके चलना पड़ता है। हम मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन हम अगर 65 मार्क्स लाते हैं हमारा नहीं होता, किसी का 55 मार्क्स में किसी अदर जोन से हो जाता है, तो ये एक कहीं ना कहीं नाइंसाफी होती है। रेलवे को समझना चाहिए कि फॉर्म को फिलअप करने का मौका देना चाहिए सबको, और जो जोन होते हैं उसमें उस जोन में सभी को मौका मिलना चाहिए कि एक कैंडिडेट अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने स्वेच्छा के हिसाब से जोन को सिलेक्ट कर ले, यानी कि जो भी आरआरबी का जोन है उसमें सबके लिए वो अप्लाई कर पाए। अगर मेरे को लगता है कि मैं यूपी से हूँ तो इलाहाबाद जोन को मैं फिलअप करूँ पहले नंबर पर, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी का मैं तुम्हें डर रहा हूँ तो मैं कहीं और से फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को सारे के सारे जोन फिलअप करने का हमें मौका मिलेगा तो मैं पहले नंबर पे आरआरबी इलाहाबाद को ही रखूंगा, उसके बाद क्योंकि मैं यूपी से हूँ उसके बाद मैं रखूंगा गोरखपुर, और गोरखपुर के बाद जो आस पास के जोन है मैं उनको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद जो जितनी दूर दूर के जोन है मैं उनको सेलेक्ट करूंगा। फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि वैकेंसी कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, क्योंकि मेरे को पता है अगर मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो मेरे को इलाहाबाद मिल सकता है, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं किसी वजह से कम हो रहे हैं मार्क्स, तो जहाँ की कटाव से मैं वेरी करूंगा वहां मेरे को मिल जाएगा। तो ये एक जो होगा सभी के साथ न्याय होगा। कोई बच्चा सोच रहा है कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे बट नहीं कर पाया उतने अच्छा, तो उसको कहीं ना कहीं और मिल जाएगा। लेकिन होता यह है कि हमने इलाहाबाद से अप्लाई किया, हमारे मार्क्स ठीक ठाक थे लेकिन इलाहाबाद में नहीं हुआ, हमसे कम मार्क्स वाले का पटना में था या जम्मू में था या कहीं और था, कम मार्क्स वाले का हो गया, तो ये एक दुखद बात है। मतलब इससे एक बहुत खींच सी पैदा होती है कि इतनी मेहनत करने के बाद हमारा नहीं हो रहा, किसी और का हुआ जा रहा है, तो ये गलत चीज़ है, मुझे लगती है गलत चीज़ है। आरआरबी को ये समझनी चाहिए और सभी को मौका देना चाहिए कि कम से कम जोन फिलअप करने के लिए मतलब मौका तो दे,
कम से कम उस अगर ऐसा हो जाएगा कि सभी को सभी कैंडिडेट्स को सभी जोन अप्लाई करने का यहाँ पे मौका मिलेगा, तो उससे ये होगा जो टॉप क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, जो पढ़ाई में अच्छे होंगे, जो मेहनती होंगे, उनका ही सिलेक्शन होगा। ऐसा होता है जो पढ़ाई में कम होते हैं उनका हो गया, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जो अच्छे मेहनती होते हैं, उनका नहीं हो पाया। क्यों? यही रीजन है, किसी ने इलाहाबाद से भरा, किसी ने जम्मू कश्मीर से भर दिया। तो जोन को लेके ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, ये गलत लगता है मुझे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इस बार जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज आ रही है उसमें ये हो रहा है कि शायद जो जो वैकेंसी आईटीआई के लिए थी उसमें 12th पास वालों को भी इंट्री मिल रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी तो जब नोटिफिकेशन आएगा, जब फॉर्म ऑनलाइन होगा तो पता चल ही जाएगा। ये गलत चीज़ है, क्योंकि आईटीआई में जो बंदे होते हैं ना, वो सिर्फ इसी रेलवे रेलवे के लिए होते हैं, उनके पास ट्रेड का नॉलेज होता है, वो मेहनती होते हैं, वो हार्ड वर्किंग होते हैं, उनके पास ज़्यादा ऐसा टेक्निकल नॉलेज नहीं होता वैसा कि अच्छी मैथ आती हो, अच्छी रीजनिंग आती हो, अच्छी इंग्लिश आती हो, उन्हें नहीं आती। उन्हें सिर्फ ट्रेड के बारे में नॉलेज होता है कि हाँ उन्हें छेनी है थोड़ी, ट्रेन की पटरी, लाइट, बल्ब, करंट, ये सब उन्हें पता होता है, फ्रीज, कूलर, एसी, थोड़ा मोड़ा पता होता है, उसी में वो मेहनत से लगे रहते हैं। अगर उनको वहां पे जॉब मिलेगी तो वहां पे करेंगे। अगर एक बंदा जो 12th पास है और उसने बीटेक भी कर रखा है, तो वो अगर 12th पास में सेलेक्ट होता है या बीटेक की डिग्री से वो सेलेक्ट होता है टेक्नीशियन में, तो जाहिर सी बात है ना ही वो अच्छे से काम करेगा, ना ही वो ज्यादा रेलवे में रुकेगा। वो कहीं ना कहीं स्विच करेगा, कहीं और एग्जाम एग्जाम में एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा, वहां पे वो अप्लाई करेगा और कभी ना कभी वो टेक्नीशियन की जॉब को रिजाइन कर देगा। अगर रिजाइन नहीं कर पाता है या उसे कोई और जॉब नहीं मिलती है तो उसी जॉब को करेगा, बट अच्छे मन से नहीं करेगा। लेकिन एक आईटीआई का बंदा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम करता है वहां पे, क्योंकि उसे यही सिखाया जाता है। उसे मैथ अच्छी नहीं आती, मैथ नहीं सिखाई गई, उसे हार्ड वर्क सिखाया गया कि कैसे 8-9 घंटे काम किया जाता है, कोई भी काम हो, कितना भी लेबर वर्क हो वो करता है। इसलिए आईटीआई को मौका मिलना चाहिए, ये फेयर होगा। जैसे कि ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, वहां पर 10th पास मांगते हैं। अब 10th पास वाला बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर उसका रेलवे में हो जाता है तो क्या वो करेगा? नहीं, वो छोड़ देगा कभी ना कभी। यही अगर आईटीआई वाले बंदे को यहाँ पर जॉब मिलेगी तो वो नहीं छोड़ेगा, कहेगा मेरे को 30,000 रुपये मिलना है, 25,000 मिलना है, मैं कर लूंगा भाई, मेरे को यही आता है, मेरे को नहीं आती मैथ, मेरे को नहीं आती पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मेरे को नहीं आती। उसे सिर्फ ट्रेड आता है, वहां पे हथौड़ा भी चला लेगा, नटबोल्ट टाइट कर लेगा, कुल्हाड़ी भी चला लेगा, कुछ भी होगा कर लेगा वो। तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं, इससे इन सब मुद्दों को हमें आपस में मिलकर आवाज उठानी चाहिए, कहीं ना कहीं तक अपनी आवाज को, जैसे मैं उठा रहा हूँ, मैंने आईटीआई नहीं की है बट मैं उठा रहा हूँ जो चीज मुझे गलत लगती है। ऐसा नहीं कि मेरा फायदा हो रहा तभी मैं कह रहा हूँ, अगर गलत है, मेरे को लग रही है गलत है, दूसरों का फायदा हो रहा है, दूसरों का हक मारा जा रहा है किसी वजह से, तो बोलना बनता है। एक लोकतंत्र है, मुझे हक है, मैंने बोल दिया, आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे से अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो आपका मैटर है, आप प्रतिक्रिया कर सकते हो, मुझे गालियां दे सकते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे को लगता है टेक्नीशियन में आईटीआई के लिए ही होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप डी है, ग्रुप डी में भी आईटीआई के लिए ही होना चाहिए, वो लेबर वर्क कोई और नहीं कर पाता है, या करेगा तो इतने अच्छे से नहीं करेगा, ठीक है। आईटीआई वाले निभाते हैं, वो निभाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जैसी भी लगी हो आप कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।